मटर के छोले आपने बहुत बार खाए होंगे। एक बार आप हरे मटर का ये छोला बनाकर देखिए। और अगर आप इस विंटर में हरे मटर का निमोना और कचौड़ी और पराठा खा के ऊब चुके हैं, तो एक बार मेरे तरीके से हरे मटर का छोला बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले हम मटर को बॉयल करेंगे। उसके लिए हमने कुकर ले लिया है, उसमें हम 2 कप मटर डालेंगे। फिर उसके बाद हम 2.5 कप पानी डालेंगे। मैंने 2 कप मटर लिया था, तो उसमें मैंने 2.5 कप पानी डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद कुकर बंद कर देंगे और गैस पे 2 सीटी आने तक पकने देंगे। इसका फ्लेम हम हाई रखेंगे। चलिए अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने थोड़ी सी धनिया, 1 इंच अदरक का और 2 हरी मिर्च, 2 पके लाल टमाटर लिए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के ले रहे हैं तो आप 3 ले सकते हैं। फिर मैं धनिया, टमाटर, अदरक, मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट के ग्राइंड कर लूँगी। एकदम इसका फाइन पेस्ट बनाना है। अब चलिए हम सूखा मसाला ले लेते हैं। 1 चम्मच जीरा तड़के के लिए। फिर हम 2 लाल मिर्च बीच से काट करके ले लेंगे। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च है तो आप उसे यूज करिए। 1 चम्मच हम सूखा धनिया ले लेंगे और 2 चम्मच हम और 2 चम्मच गरम मसाला ले लेंगे। 1 चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। कुकर का 2 सीटी हो चुका है, गैस भी इसका पूरा निकल चुका है। अब चेक कर लेते हैं मटर हमारा पका है या नहीं। ये देखिए हमारा मटर बिल्कुल पक चुका है। हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए हमारा मटर बिल्कुल पक चुका है, ये गला नहीं है बिल्कुल भी, बस पका है। तो फिर चलिए हम गर्म कर लेंगे। उसमें 2 बड़ा चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप यूज करते हो। फिर उसमें हम 1 चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी उसे डालेंगे। फिर 1 सेकेंड के लिए हम इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा हमारा चटक जाए और मिर्च थोड़ा फ्राई हो जाए, तो उसके बाद जो हमने पीसा हुआ मसाला रखा था उसे हम डाल देंगे। फिर उसके बाद हम सूखे मसाले ऐड करेंगे, जो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी मसाला ले सकते जो आपके पास हो, सब्जी मसाला या फिर गरम मसाला। लेकिन गरम मसाला में आप बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप गरम मसाला में ये मटर का छोला बनाकर देखिए। फिर सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे चलाएंगे और फिर गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और फिर इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। हम ढकेंगे, 2 मिनट हो चुका है। अब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए लगभग अब हमारे मसाले पक चुके हैं। 2 मिनट और इसे पकाएंगे, फिर से हम इसे ढक देते हैं। केली, आलू गोभी, मटर की सब्जी बना के पक चुके हैं, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और बहुत जल्दी और टेस्टी बन के तैयार होता है। देखिए अब हमारे मसाले पक चुके हैं, तेल भी छोड़ने लगा है। इसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। फिर चलाने के बाद जो मटर हमने उबाल करके रखा है उसे डाल देंगे। इसमें पानी अलग से आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम जो मटर पका रहे थे तो उसी में जो पानी हमने डाला है वही हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो आप अलग से पानी ऐड कर सकते हैं। फिर हम स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। हम नमक थोड़ा डाल रहे हैं क्योंकि मटर पकाने के टाइम भी मैंने नमक डाला था। अब फिर इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। एक बार फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा छोला लगभग तैयार हो चुका है।
ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। अब एक मिनट के लिए और इसे हम ढक देते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाए। अब मेरा मटर का छोला बनके एकदम तैयार हो चुका है। अब इसे एक बार हम चला के और दिखाते हैं। देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है मटर का छोला। अब हम गैस बंद कर देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर देते हैं। अब इसे हम आपको दिखाते हैं धनिया मिक्स करके। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बिना प्याज बिना लहसुन के ये मटर का छोला मैंने बनाया है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। वो यकीन नहीं होगा कि बिना प्याज लहसुन का भी छोला इतना टेस्टी हो सकता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताएं। नए नए वीडियो आपके लिए बिना प्याज लहसुन की रेसिपी ला सकूं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।